हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिवाली इज जस्ट अबाउट टू कम एंड आई एम श्योर आप सब बहुत बिजी होंगे दिवाली के काम में, डेकोरेशन में, सामान खरीदने में, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड इस बीच में आपने टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, देन डेफिनेटली यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड लिपस्टिक। एंड गेस व्हाट, एंड आपका सर्च यहाँ पे खत्म होता है क्योंकि आज के वीडियो में हम 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 लिपस्टिक की बात करेंगे। एंड इसमें कलर इंक्लूड्स है ब्राउन न्यूज, पिंक न्यूज एंड रेड। एंड ये तीनों फैमिली, यू गाइस नो, ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। एंड इफ यू गाइस लव टू वॉच मेकअप, स्किन केयर एंड फैशन वीडियोज, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैंने दिवाली पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किन केयर एंड हेयर केयर हैक्स अपलोड किए एंड आई अटैच द लिंक इन द आई बटन। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं जितने भी ये लिपस्टिक के स्वॉचेस करूँगी वो विदाउट मेकअप भी करूँगी एंड विद मेकअप भी करूँगी, सो आप दोनों लुक देख सकते हैं। सिंस आई नो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है मेकअप नहीं करती है, सो कुछ को मेकअप पसंद है एंड कुछ को नहीं पसंद है। सो ये वीडियो सबके लिए है जो करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि जो मैंने एक स्वॉच किया उसमें सिर्फ मैंने काजल अप्लाई कर रखा है, दैट्स इट, एंड उसके ऊपर मैं लिपस्टिक स्वॉच कर रही हूँ। सो पहला ब्रांड जो मैंने चूज़ किया लिपस्टिक का, दैट इज़ मेबलिन। गाइज आई एम श्योर मेरी तरह आप सबकी भी मेकअप की शुरुआत इधर लैक्मे से हुई होगी या तो मेबलिन से हुई होगी। सो मेरी मेबलिन से हुई है, सो उसे रिस्पेक्ट रखते हुए मैंने चूज़ किया है मेबलिन का सुपर स्टे। एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ पिंक फैमिली एंड दिस शेड इज़ डेलिकेट। ये मैट फॉर्मूला में है एंड ये 16 आवर्स कहता है स्टे करता है। एंड गाइज ट्रस्ट मी, ये 16 आवर्स बोलता है लेकिन ये 16 आवर्स से बहुत ज़्यादा स्टे करता है, इवन ये 2 दिन भी चल जाता है। मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है इस लिपस्टिक के साथ। बेसिकली आप नहा लो, आप स्विमिंग पूल कर लो, जब तक आप रिमूव नहीं करोगे ये लिपस्टिक नहीं हटेगी। सिंस दिवाली पे इतनी कार्ड पार्टीज़ होती है, हम बाहर जाते हैं, हम खाते हैं, यू नो चाट कॉर्नर स्पेशली दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में तो चाट कॉर्नर कुछ ज़्यादा ही फेमस होता है, लाइक गोलगप्पा, पाव भाजी, तो इतना हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं लिपस्टिक तो थोड़ा यू नो हट जाता है। सो इस लिपस्टिक में सबसे इसका फॉर्मुलेशन इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं हटती। एंड ये ट्रांसफर प्रूफ है एंड सॉफ्ट रहती है। बेस्ट पार्ट इज़ ये हमारे लिप्स को ड्राई नहीं करती है। सो इफ़ यू गाइज लव लिक्विड लिपस्टिक, सो आई मस्ट से पिंक न्यू फैमिली में अगर आप कलर देख रहे हैं यू शुड डेफिनेटली ट्राई डेलिकेट शेड। सेकेंड लिपस्टिक मैंने चूज़ किया है ब्लू हेवन ब्रांड से एंड नेम ऑफ द शेड इज़ मोका मैडनेस। गाइज ये शेड पिंक फैमिली का है, सो इट विल गो ऑन फेयर टू मीडियम स्किन टोन। अगर आपका कलर गोरे से लेके गेहुआ कलर तक है तो ये आप पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड इवन ये शेड ऐसा है, अगर थोड़ा जिसका डीप स्किन टोन है वो भी यूज़ कर सकता है। आपको क्या करना है, आपको एक डार्क लिप लाइनर से लिप लाइनिंग करनी है। सो लिप लाइनिंग डार्क शेड से करेंगे और उसमें ये कलर आप अप्लाई करेंगे, बहुत ब्यूटिफुल लगेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टे, इसका स्टे 5 to 6 आवर्स है। सिंस ये काइंड ऑफ क्रीम मैट है, बहुत सॉफ्ट है लिप्स पे एंड इसे जस्ट आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी देर में, लाइक 3 to 4 आवर्स में। सो गाइज इफ़ यू आर अ फैन ऑफ करीना कपूर, करीना कपूर को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वो बहुत ज़्यादा पिंक न्यूड्स कलर अपने लिप्स पे वेयर करती है, सो ये उसका एग्जैक्टली ड्यूप है। थर्ड शेड मैंने पिक किया है रेवलॉन ब्रांड से एंड नेम ऑफ द शेड इज़ पार्टनर इन क्राइम। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सैटिन फिनिश कलर है एंड ये बहुत डिफरेंट पिंक है, नॉट डार्क पिंक, नॉट लाइट पिंक, समथिंग इन बिटवीन। एंड इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लॉसी इफेक्ट रहता है एंड मोस्टली होता क्या है, ग्लॉस इफेक्ट 5 to 6 आवर्स लास्ट करता है, बट ट्रस्ट मी ये ग्लॉस इफेक्ट पूरे टाइम जब तक लगा रखा है ये लास्ट करता है। एंड बेस्ट पार्ट इज ये थोड़ा सा ट्रांसफर प्रूफ होता है लेकिन पूरा ये हटता नहीं है, मतलब जब तक ये इसका इवन हट भी जाता है तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्टेन रह जाता है। एंड इसका स्टे भी बहुत लॉन्ग है, मतलब ईजिली आप कोई भी फंक्शन पार्टी अटेंड करोगे बहुत आराम से आपका फंक्शन पार्टी निकल जाएगा। एंड ये शेड सब पे अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे ये शेड ज़्यादा अच्छा लगता है डार्क स्किन टोन पे, बिकॉज मैं जब लगाती हूँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा वॉश ऑफ हो जाता है, सो आई ऑलवेज अप्लाई इट विद माई लाइनर, डार्क लाइनर। एंड गाइज यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सारे लिपस्टिक के साथ लिप कॉम्बो बना रखे हैं, सो उससे आपको बहुत आइडिया हो जाए। सो गाइज अभी बहुत सारे स्वॉचेस बच रहे हैं, सो व्हाट आई रिकमेंड इज जस्ट ग्रैब अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी एंड एन्जॉय दिस वीडियो। मीनवाइल लेट्स गो टू द फोर्थ लिपस्टिक। फोर्थ लिपस्टिक मैंने चूज़ किया है शार्लेट टिलबरी ब्रांड से एंड आई एम श्योर आपने ये गेस तो कर ही लिया होगा, व्हेन वी से शार्लेट टिलबरी इट मीन्स पिलो टॉक। सिंस ये कलर इतना वायरल हो गया था आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर की मैरिज के बाद,
सिंस इसका सेल तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था एंड हर जगह ये स्टॉक आउट हो गया था। बट गाइज यू नो वॉट, ये शेड मेरे पास उससे भी पहले से था पिलो टॉक एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कलर इतना वायरल हो जाएगा। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी चॉइस तो अच्छी है लिप शेड्स पे। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा लाइट पिंक फैमिली कलर है एंड ये भी थोड़ा वॉश ऑफ हो जाता है। सो व्हाट आई रिकमेंड इज अगेन आप डार्क लिप लाइनर अप्लाई करो और उस पर ये अप्लाई करो एंड इसका फॉर्मुलेशन इतना ज़्यादा स्मूथ है आई ट्रस्ट मी। इतने सारे ब्रांड्स मैंने ट्राई किए हैं बट शार्लोट टिलबरी का जो फॉर्मुलेशन है, जो टेक्सचर है, जो फीलिंग है, इतनी लग्जरी फीलिंग मुझे किसी भी ब्रांड में नहीं आई जो शार्लोट टिलबरी में। सो डेफिनेटली वेन एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन यू नो लग्जरी ब्रांड, सो आई डेफिनेटली सजेस्ट दैट इन्वेस्ट इन शार्लोट टिलबरी। नथिंग फील्स मोर लग्जरी लाइक यू नो शार्लोट टिलबरी। फिफ्थ लिपस्टिक मैंने चूज़ किया स्विस ब्यूटी ब्रांड का एंड द नेम ऑफ द शेड इज़ काइंड ऑफ नेकेड। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा ग्लॉस लिपस्टिक है एंड जब ये इसका ग्लॉस इफेक्ट हट जाता है एक बहुत ब्यूटीफुल सा टिंट रह जाता है लिप्स पे एंड ये बहुत सॉफ्ट है हमारे लिप्स पे। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टे, इसका स्टे थोड़ा कम है, इट स्टेज ऑन योर लिप्स फॉर लाइक 2 to 3 आवर्स। 2-3 घंटे के बाद आपको इसे रीअप्लाई करना पड़ता है। सो अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो इसे कैरी करने में, अपने हैंड बैग डालने में एंड रीअप्लाई करने में, सो इट्स डेफिनेटली अ मस्ट बाय बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल है। इट इज़ समवेयर बिटवीन 200 to 250 एंड अगेन इसे भी आप लिप लाइनर के साथ अप्लाई करोगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड ये कलर भी सारी स्किन टोन्स पे अच्छा लगता है एंड ये एक्चुअली जितने भी हमारे लग्जरी ग्लॉसेस होते हैं ये उससे टक्कर भी देता है। सिक्स लिपस्टिक मैंने चूज़ की है टू फेस्ट ब्रांड से एंड नेम ऑफ द शेड इज़ सेल आउट। सेल आउट एक बहुत ज़्यादा वायरल शेड है पिंक फैमिली में एंड आई एम श्योर आप अगर इंस्टाग्राम पे यू नो बहुत सारे ब्यूटी क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, ये रिकमेंडेशन आपने सबके वीडियोस में सुना होगा। बी इट मेकअप आर्टिस्ट, बी इट यू नो सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट एंड बी इट ब्यूटी एंथूजियास्ट, सब रिकमेंड करते हैं। एवरी वन इज़ क्रेजी अबाउट दिस लिपस्टिक बिकॉज ये एक ऐसा यू नो शेड है जो किसी भी आउटफिट पे आप लगा लो ये बहुत सुंदर लगेगा एंड ये मैट फॉर्मुलेशन में है एंड इसका जो स्टे है इसका स्टे भी बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता एंड ये ट्रांसफर प्रूफ है, मतलब इट एक्चुअली फील्स लाइक अ बटर शेड। ये बहुत बटरी कलर है एंड दिस ईयर मैंने गरबा नाइट, अपनी 2 गरबा नाइट इस लिप शेड के साथ अटेंड किया था। बिल्कुल भी मुझे यू नो प्रॉब्लम नहीं आया एंड आई पर्सनली स्वेट लाइक अ पिग, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है बट स्टिल मतलब इस लिपस्टिक ने यू नो पूरा स्टे किया। मैंने डांस किया, खाया पिया सब किया, कुछ नहीं हुआ इस लिपस्टिक का। सो अगेन ये भी हाई एंड लिपस्टिक है, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो समवेयर बिटवीन 2000 to 2500 एंड नायका पे ऑफर्स आते ही रहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो डेफिनेटली इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन शार्लेट टिलबरी देन डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन आप ये भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज शार्लेट टिलबरी थोड़ा सा लाइट फैब्रिक में बट दिस इज़ अ परफेक्ट मीडियम पिंक कलर जो आप लिप लाइनर लगाओ या नहीं लगाओ ये बहुत अच्छा लगेगा एंड ये पूरे टाइम स्मूथ रहेगा आपके लिप्स पे। बेस्ट पार्ट ये है बिल्कुल भी लिप्स आपको क्रैक्ड ड्राई नहीं फीलोगे। सो नाउ वी आर डन विद द पिंक फैमिली, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू ब्राउन फैमिली एंड देन विल मूव टू रेड फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्राउन फैमिली। सेवन लिपस्टिक मैंने चूज़ किया है प्रॉश ब्रांड से एंड द नेम ऑफ द शेड इज़ हाई टी। हाई टी एक अगेन बहुत पॉपुलर कलर है ब्राउन फैमिली में एंड ये सारे स्किन टोन्स पे अच्छा लगता है। एंड टॉकिंग अबाउट द फॉर्मुलेशन, ये मैट फॉर्मूला में है सो इसका जो स्टे है वो 5 to 6 आवर्स का आराम से है एंड ये थोड़ा सा ड्राई साइड रहता है बिकॉज एक्सट्रीमली मैट है एंड इसका ये बेसिकली मैक का डूप है। अगर आपने मैक की लिपस्टिक्स ट्राई की होगी, मैक की जो लिपस्टिक्स ट्रेडिशनली है वो थोड़ी सी ज़्यादा ड्राइंग होती है तो सेम इसलिए भी थोड़ा ड्राई है। सो बट आई एडवाइज इज कि ये आप लिप बाम पहले अप्लाई करो उसके ऊपर ये लिपस्टिक अप्लाई करो तो आपको बहुत ज़्यादा ये लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड आपको वो उसका जो टेक्सचर है वो टेक्सचर और ज़्यादा बेटर लगेगा। तो गाइज मैक का ड्यूप अगर आपको 600 to 700 की रेंज में प्रॉश में मिल रहा है देन डेफिनेटली यू शुड ऐड दिस प्रोडक्ट इनटू योर कार्ट। सो एट शेड मैंने चूज़ किया है प्लम ब्रांड से एंड द नेम ऑफ द शेड इज़ डबल ट्रफल। आई होप आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा, इस पे लिखा है ट्रफल, सो दैट मीन्स ये एक डार्क ब्राउन कलर है। सो इफ़ यू आर समवन जिसे डार्क ब्राउन कलर्स बहुत पसंद है देन डेफिनेटली आपको ये कलर ट्राई करना चाहिए। ये कलर बहुत ही ज़्यादा वेटलेस है, मतलब जैसे लगता है इसे लगाने के बाद कि आपने कुछ लगाया ही नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट काइंड ऑफ इफेक्ट देता है एंड इसका जो स्टे है वो भी बहुत अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स ये स्टे करता है एंड अगेन इफ़ यू आर फैन ऑफ डार्क ब्राउन कलर देन यू शुड डेफिनेटली बाय इट।
नाइन शेड मैंने चूज़ किया है हुदा ब्यूटी ब्रांड से एंड द नेम ऑफ द शेड इज़ इंटरव्यू। अगेन ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल डार्क ब्राउन शेड है एंड इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत जल्दी वॉश ऑफ हो जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा बटरी है, बहुत ज़्यादा लग्जरी फील देता है लिप्स को। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई यू नो लग्जरी काइंड ऑफ अ फॉर्मूला इन डार्क फैमिली, सो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। एंड इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग फैन ऑफ हुडा ब्यूटी लिपस्टिक्स, यू नो उसका बुलेट लिपस्टिक में आप और शेड यूज़ करते हो एंड आपको ब्राउन फैमिली में जाना है, तो उनके ब्राउन फैमिलीज में बहुत सारे कलर्स हैं एंड दिस वन इज़ डेफिनेटली द बेस्ट वन। सो 10th लिपस्टिक मैंने चूज़ की है नायका ब्रांड से एंड द नेम ऑफ द शेड इज़ ऑन फ्लीक। ये बहुत ही सटल सा ब्राउन फैमिली का शेड है एंड अभी जो हमने दो लिपस्टिक्स डिस्कस की थी वो बहुत डार्क ब्राउन साइड से थी। सो इफ़ यू आर समवन जिसे एक बीच का ब्राउन का शेड चाहिए देन आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक पसंद है तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में है एंड इसका स्टे भी अच्छा है। 11th लिपस्टिक मैंने अगेन मेबलिन ब्रांड से चूज़ किया, सिंस मेबलिन बहुत क्लोज है मेरे हाथ से, मैंने अपनी मेकअप जर्नी मेबलिन से ही स्टार्ट किया, मैंने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपनी लाइफ में यू नो मेबलिन के यूज़ किए हुए हैं, सो दैट्स वाई आई एम अ बिग फैन ऑफ मेबलिन। मेबलिन का कुछ भी न्यू लॉन्च होता है मैं इंस्टेंटली ऑर्डर करती हूँ। तो ये शेड है इररेजिस्टिबल, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा काइंड ऑफ, ये भी मीडियम ब्राउन शेड है, इसमें बहुत स्लाइट सा हिंट है ऑरेंज का एंड अगेन ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ये सारे टोन्स पे अच्छा लगता है। एंड प्लस द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लिपस्टिक इज आप मेकअप करो या मेकअप नहीं करो ये पूरा फेस इतना ज़्यादा इन्हांस कर देता है। सो एंड इसमें बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसे लगा के आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, यू नो ये लिपस्टिक ट्रांसफ़र नहीं होती, ये शाइन भी करती है, आप खा लो पी लो कुछ भी कर लो ये कहीं नहीं जाती, इसे हटाने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो 12th लिपस्टिक अगेन मैंने मेबलिन चूज़ किया है, सिंस नाउ आई एम श्योर आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं मेबलिन से कितना ज़्यादा लॉयल हूँ, उनका कुछ भी नया लॉन्च होता है ट्रस्ट मी मैं ऑर्डर कर देती हूँ। सो अगेन इफ़ यू आर समवन जिसे लिक्विड लिपस्टिक चाहिए हो और मैट फॉर्मूला चाहिए हो और चाहिए हो कि ट्रांसफ़र भी ना हो, काफ़ी टाइम तक स्टे भी करे, मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, मैं खा लूँ, मैं पी लूँ, मैं बातें कर लूँ, लिपस्टिक नहीं हटनी चाहिए, देन आपको डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए। नेम ऑफ द शेड इज़ वर्सेटाइल, सो इफ़ यू आर समवन जिसे एक बहुत ही न्यूट्रल ब्राउन कलर चाहिए हो, ना बहुत ज़्यादा डार्क ना बहुत ज़्यादा लाइट, देन ये एक परफेक्ट शेड है आपके लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेड फैमिली। तो 13th शेड मैंने चूज़ किया है शुगर ब्रांड से। सो ये शुगर का वैलेंटाइन कलेक्शन है, ये वैलेंटाइन टाइम पे लॉन्च हुआ था और मुझे ये पीआर पैकेट पे आया था। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैट फॉर्मूला कलर है एंड ये काइंड ऑफ हॉलीवुड रेड कलर की फील देता है। सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू एक्सपेरिमेंट विद रेड एंड थोड़ा हॉलीवुड इफेक्ट चाहिए देन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस शुगर लिपस्टिक। 14th लिपस्टिक अगेन मैंने शुगर ब्रांड से चूज़ किया है एंड इस शेड का नाम है स्कारलेट ओहारा। तो लास्ट जो शुगर शेड था वो थोड़ा एक्सट्रीम मैट था एंड ये वाला जो शेड है वो थोड़ा सॉफ्ट मैट है। सो इफ़ यू आर समवन जिसे एक्सट्रीम ड्राई लिप्स आपके रहते हैं तो देन आई विल रिकमेंड आपको ये लिपस्टिक ट्राई करना चाहिए। फाइनली मेड इट टू द 15th स्पॉट। सो 15th लिपस्टिक इज द किंग ऑफ ऑल रेड लिपस्टिक्स, येस आई एम टॉकिंग अबाउट मैक रूबी वू। तो मैक रूबी वू एक इतना पॉपुलर रेड कलर है जो हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड आई थिंक हर जगह ही बहुत ज़्यादा फेमस है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई सम लग्जूरियस यू नो रेड कलर देन डेफिनेटली गो फॉर मैक्रो वीवो। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डेफिनेटली आपको मेरे ये दोनों वीडियोज तो और भी अच्छे लगेंगे। सो इफ़ यू रियली लव दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।